गया जिले के महकार थाने की पुलिस मारपीट कर अधमरा करने वाले आरोपियों पर दर्ज प्राथमिकी के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर रही है। पीड़ित दुकानदार पिता पुत्र शुक्रवार को गुहार लगाने वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। नीमचक बथानी अनुमंडल के महकार थाना क्षेत्र के नदरा गांव के रहने वाले पीड़ित प्रमोद साव ने बताया कि 4 नवंबर की रात मेरा पुत्र नीरज कुमार कुड़वा बाजार स्थित अपने सिगरेट की होलसेल दुकान बंद करके घर लौट रहा था। इसी बीच घात लगाए दर्जन भर अपराधियों ने लाठी डंडे से लोहे के रड से बीच रास्ते में घेर कर उस पर हमला कर दिया। उसे तब तक मारते रहे जब तक वो बेहोश ना हो जाए, फिर उसे बेहोशी की हालत में अधमरा नहर में फेंक दिया। गनीमत रही कि पीछे से मेरा छोटा पुत्र भी आ रहा था, फिर उसने स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले गए। घटना की जानकारी के बाद मैंने महकार पुलिस को फोन किया। पुलिस घटना स्थल पर भी आई और मामले में पीड़ित ने कई लोगों को नामजद और अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मारपीट कर अधमरा करने वाले आरोपियों में लड़कियां गांव के रहने वाले विनोद यादव का बेटा वीर कुंवर कुमार, रोहित कुमार पिता नामालूम व तीसरा बीजोपुर गांव का रहने वाला उमेश यादव का बेटा अनमोल कुमार समेत 7 अज्ञात के विरुद्ध महकार थाने में केस दर्ज किया गया था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दर्ज प्राथमिकी के बाद भी महकार थाना के थानाध्यक्ष गोपाल कुमार समेत केस के अनुसंधानकर्ता अजय सिंह का रवैया पीड़ित के प्रति ठीक नहीं है। उसने अपने आवेदन में पुत्र से 72,000 रुपये छीनते ही का भी जिक्र किया था, परंतु उसके आवेदन को रद्द करते हुए थानाध्यक्ष ने नए सिरे से आवेदन लिखवाया, लेकिन युक्त आवेदन में 72,000 का जिक्र नहीं था। एसएसपी कार्यालय में दिए गए आवेदन में पीड़ित पक्ष ने थानाध्यक्ष गोपाल कुमार व अनुसंधानकर्ता अजय कुमार सिंह पर आरोपियों को नहीं पकड़ने का आरोप लगाया है। पीड़ित दुकानदार प्रमोद साव का कहना है कि मेरी दुकान कुड़वा बाजार में सिगरेट और गुटखा होलसेलर की दुकान है। आरोपियों ने घटना वाली संध्या 4 बजे दुकान पर जबरन सिगरेट मांगने आए थे, जब नहीं दिया तो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। केस उठाने की भी धमकी दे रहे हैं। पीड़ित के लिखित आवेदन के आधार पर जब महकार थानाध्यक्ष गोपाल कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पीड़ित प्रमोद साव के पुत्र के साथ मारपीट की घटना हुई थी। मारपीट करने वाले आरोपी फरार हैं, फिर भी उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौन लोग मारपीट किया था? वीर कुमार कुमार था और नाम है वीर कुमार कुमार है, पिता विनोद यादव लड़ंकिया का है, रोहित कुमार पिता का नाम उसका नहीं मालूम है, और तीसरा है अनमोल कुमार पिता उमेश यादव। क्या वजह बीजोपुर का है? वजह यह था कि सिगरेट मांगने के लिए दुकान पर आया। हम लोग होलसेल दुकान है, हम लोग बोले हैं खुला सिगरेट नहीं बेचते हैं, तो कहा कि डब्बा दो, डिब्बा दिए, उसमें से 2 ले लिया, पैसा भी नहीं दिया। उसके बाद हम पैसा के मांग किए तो उन लोग अति गाली गलौज करने लगा, धमकी देने लगा। उसके बाद हम लोग 6:30 दुकान बंद करते हैं, पर डे की तरह बंद करके हम घर जा रहे थे। घर जाने के उपरांत सलेमपुर नहर के आगे भट्ठा है, भट्ठा के आगे पार हुए, वहाँ पर छेक कर हमको 10 लड़कन मारा है। किस चीज़ से मारा गया? डंडा था, हाथ में पन्ने वाला रिंग रहता है, पंजा वो था। किस तरह का चोट लगा आपको? उसके बाद कहाँ गए थे, अस्पताल गए थे, नहीं गए थे, कहाँ हुआ था? चोट लगने के बाद हम लोग नहर पे, जैसे वहाँ पर फैल जगह है, आदमी वहाँ पर रहता है, वहाँ पर हम लोग आए। वो लोग आप ही का गांव का है? जी नहीं, हम लोग के गांव का नहीं है। दुकान कहाँ है? दुकान मेरा कुड़वा है, कुड़वा खिदर सराय, घर से हम लोग के करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस कोई कार्रवाई की? नहीं, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है। महकार थाना का अभी तक कार्रवाई क्या हुआ? कुछ नहीं, आज तक दुकान पर थाना क्या होता है, थाना तक अभी नहीं आया। वहाँ मिले थे? जी मिले थे। बोले? वो तो बोले थे कि सवेरे सब जांच पड़ताल हुआ, सवेरे कुछ नहीं हुआ। कैमरा भी जांच करेंगे, वो भी जांच नहीं हुआ। दुकान में कैमरा लगा हुआ, वो भी उसका भी फोटोज भी दिए, थाना को भेजे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। अभी आप एसएसपी कार्यालय हैं? जी। क्या बोले सर? क्या मांग सर? न्याय के लिए आए हैं। हमारे साथ ये मिलाकर 3 बार घटना हो चुका है। 2 बार हमारे दुकान में सेंधा मारे हुआ है, सब उन्हीं लोग के अथी से। बोलो। मेरा नाम नीरज कुमार है और कोई धमकी भी दे रहा है? दुकान पर आता है, मैनेज कराने के लिए आता है, धमकी आता है कि ऐसे ही घटना होते रहेगा। ठीक है, अपना नाम बताओ। मेरा नाम नीरज कुमार, पिता प्रमोद साहब। क्या घटना हुई है?
चार तारीख के 6:30 बजे दुकान बंद करके मेरा लड़का घर पर जा रहा था, तो दुकान पर सिगरेट मांगने के लिए आया था करीब 4 बजे के लमसम में। सिगरेट न दिया, उसके बाद रास्ता में 10-12 आदमी से उन लोग था, मारपीट किया और मार के इसको नहर में फेंक दिया। फिर छोटा वाला लड़का पीछे था तो फिर आया, और उसके बाद फिर अगल बगल के गाड़ी उड़ी वाला था तो सब रोका। उसके बाद फिर घर पर हमको सूचना मिला तो थाना को फ़ोन किए, तो कुछ देरी के बाद थाना भी वहाँ पहुँचा। कौन थाना का मामला? ये महकार थाना का। कौन लोग मारपीट किया? वहाँ बीजोपुर के आदमी था और लड़ंकिया के था। वजह क्या हुआ? वजह सिगरेट मांगने की वजह से। मैंने पहले से भी कोई विवाद चल रहा? कुछ कोई विवाद किसी से नहीं है। मारने वाले का नाम बताइए। मारने वाले को 3 आदमी का FIR में हम नाम दिए थे और उसमें अज्ञात में 7-8 आदमी का और दिए हैं। मारने वाला मेन आदमी का नाम बताइए। मैं वीर कुमार यादव पिता विनोद यादव। अभी आप कहाँ पहुँचे? अभी हम आए हैं गया में SSP। हाँ, SSP के पास हम आए हैं। स्थानीय थाना क्या बोलता है? स्थानीय थाना पर आवेदन जो हम लिखे थे रात में, वो आवेदन पर केस ना होके बड़ा बाबू अपने ढंग से आवेदन लिखवाए हैं, और 72,000 रुपया हमारे वहाँ से छीन छोर भी हुआ है। मार के इसको तो एकदम फेंक दिया था नहर में। अब 72,000 पैसा तो गाड़ी वाला नहीं आता तो इसको तो ले लिया था। छोटा वाला लड़का फिर पीछे से आया, 72,000 पैसा भी लिया। FIR जब हुआ है तो उसमें धारा भी पैसा वाला नहीं लगा, जो 72,000 रुपये का लूट है उसमें वो धारा भी नहीं लगाया, सब धारा हल्का कर दिया गया। थाना पर बार बार शिकायत करने पर कुछ नहीं, हम लोग समझता है। पैसा दुकान में था? नहीं, पैसा दुकान से लेकर आप कंप्लेन किए हैं? महकार थाना। अभी किससे मिलने के लिए आए? SP साहब से मिलने आए हैं। क्या मांग करने आए हैं? मांग करने की जो हमारा जो केस है, केस को उचित तरह से उसका कार्रवाई हो, और जो धारा इसमें लगाया गया है गलत, उसमें धारा को जोड़ा जाए। तो किसका उसको संरक्षण मिल रहा है आप बता रहे थे? वो मेरा केस का ये आयोग है, अजय सिंह है। संरक्षण मैंने उसको सहयोग कौन कर रहा है? काहे नहीं पुलिस पकड़ रहा है उसको? वहाँ पर ही है कि सब बोलता है कि हम, और जो वहाँ का जनता है सब बोलता है कि हम लोग के सब यादव के अधी चलता है, दबदबा चलता है, इसी वजह से हम लोग का कोई वहाँ पर कुछ नहीं। कौन कास्ट है? हम जात का तेली हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय प्रमोद साहू, ग्राम पोस्ट नादरा, थाना महकार, जिला गया।